सभी को नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की आज सुबह घोषणा की गई है और इसी के साथ निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में अब आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में जो कुल 90 सीटें हैं उनमें से 51 सीटें अनारक्षित हैं, 29 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और राज्य में निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारियों और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचन है वो 2 चरणों में संपादित होंगे। जो प्रथम चरण है वो कुल 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से 90 के 5,303 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा और इसका जो कार्यक्रम है वो ऐसा रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर तक और मतदान की तिथि जो है वो 7 नवंबर, मतगणना की तिथि 3 दिसंबर और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपादित होंगे वो 5 दिसंबर। द्वितीय चरण के जो विधानसभा क्षेत्र है वो 70 रहेंगे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से 70 तक 18,806 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा। इसमें अधिसूचना के प्रकाशन की जो तिथि है वो 21 अक्टूबर होगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी 2 नवंबर तक होगी, मतदान की तिथि जो है 17 नवंबर, मतगणना की तिथि 3 दिसंबर और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपादित होगा वो है 5 दिसंबर 2023। आयोग में मतदाताओं को एपिक कार्ड के साथ साथ 12 अन्य तरह के पहचान पत्रों के आधार पर भी मतदान कराया जाएगा जिसमें कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और बैंक का फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का जो हेल्थ स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, RGI के द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज और केंद्र राज्य सरकार PSU पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए जो फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जारी होते हैं वो MP MLA MLCs को जारी किए गए ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड्स और UDID कार्ड मान्य रहेंगे। निर्वाचक नामावली के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन किया गया है और अंतिम प्रकाशन की तिथि में राज्य के कुल मतदाता 2,03,60,240 है जिनमें से 1,01,20,830 पुरुष एवं 1,02,39,410 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,80,079 है। राज्य का ईपी रेशियो 67% है और जेंडर रेशियो वर्तमान में 1,012 है, यानी 1,000 पुरुषों पे 1,012 महिला मतदाता दर्ज है। विधानसभा 18 के दौरान जो है कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,00,000 थी और आज जो है 9.5% जो है पिछले सामान्य चुनाव से ये संख्या बढ़ गई है। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या राज्य में 1,60,955 है और प्रदेश में तृतीय लिंग के 790 मतदाता पंजीकृत है और कुल 17 प्रवासी भारतीय भी मतदाता पंजीकृत है और 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 7,23,771 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,86,215 और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले
मतदाताओं की संख्या 2462 है। राज्य में 24,109 मतदान केंद्र है और 30,920 मतदान केंद्र लोकेशंस है। इन 20,000 मतदान केंद्र लोकेशंस में लगभग 17,000 जो है ग्रामीण है और 3,000 शहरी है। और सभी मतदान केंद्रों में जो सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं हैं जैसे कि रैंप है, पेयजल है, विद्युत है, शौचालय है, इनकी व्यवस्था कर ली गई है। आयोग के निर्देशानुसार हर मतदान केंद्र में जो है वोटर असिस्टेंस बूथ की सुविधा रहेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है कम से कम 5 आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना पूरे राज्य में होगी। 10 संगवारी मतदान केंद्र प्रति विधानसभा और जो कि पूर्णतः महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे और प्रति विधानसभा 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र और 1 युवा संचालित पूर्णतः मतदान केंद्र प्रति विधानसभा रहेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.